कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कपकोट तहसील में भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अभिभावकों ने अपने बच्चों को कृष्ण और राधा की पोशाक में तैयार कर मंदिरों में पूजा अर्चना की। सामा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने झांकी निकाली तथा मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज इस सामा क्षेत्र में आके हमें बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई, इसीलिए कि आज हमारे इसी संत में जो संत के हमारे संत प्रमुख हेमा जी हैं, उन्होंने इस प्रकार का जन्माष्टमी का जो आयोजन किया है उसे देख के अति हर्ष हुआ और हमें इनसे सीखकर जो है और संतों में भी इस प्रकार का जो है आयोजन करने का जो है हमें प्रेरणा मिलेगी। मैं एकल विद्यालय की कार्यकर्ता बागेश्वर अंचल गतिविधि प्रमुख, सामने हैं अध्यक्ष जी बागेश्वर अंचल के श्रीमान तारा सिंह कोरोंगा जी। आज हमारे संत सामा में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया है, जिसमें उपस्थित सभी समिति के बंधु एवं कार्यकर्ता बहनों एवं आचार्य बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संचय इस बार हमारी बहन ने यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और गांव वालों से साथ ही मुझे देखने को ये मिला है कि जो हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की संस्कृति जो है सबसे ज़्यादा मुझे हमें देखने को यही मिला कि हम यहाँ पे अपनी संस्कृति को लुप्त नहीं कर रहे, हमारी संस्कृति यहाँ पे बची है। मैं चाहता हूँ अपनी इच्छा शक्ति से। आज ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर हमने पहुँचाया और अंत में जो है जन्माष्टमी के कार्यक्रम में मटका फोड़ का कार्यक्रम होता है, तो उसमें सामा पन्याली की जो टीम जो बैठी हुई है पीछे, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हम सभी आयोजक जो कमेटी है उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और अगली बार हम और भव्य तरीके से मटका फोड़ का कार्यक्रम करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।